स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। आज UPTET का पेपर संपन्न हुआ और इसका आपको हम साल्व दे रहे हैं। प्रयास किया है कि शुद्ध हो, फिर भी जो क्वेश्चन कंफ्यूजन में हो उन्हें देख लें। तो ये हमने जो सॉल्व किया है ये सीरीज बुकलेट की बी है। आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन देख करके मिला लें। देखिए, पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, युक्तक है, इसमें आपका तीसरा सही होगा मूल प्रपत्ति। दूसरा क्वेश्चन है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इसमें दूसरा होगा आपका सामाजिक परिवेशन तत्व। तीसरा क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम निम्न में से कौन सा है, इसमें आपका दूसरा सही होगा अनियमित विकास का नियम। चौथा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें आपका होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, यानी तीसरा सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न में है, विकास के परिमाण स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन जो हमें हरलाग ने दिया था, सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हार अपने प्रयोगों से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, इसमें तीसरा सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली प्रतिपादित किया था, इसमें हर्बर्ट सही होंगे, दूसरा सही होगा आपका। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है, तो ये कैनन ने की थी, इसमें पहला सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, इसमें पहला सही है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ये आपका मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये आपका तीसरा सही है, डम्बविल का। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, इसमें गाल्टन है, सही दूसरा सही है। 12 से 16 वर्ष के बालकों हैं तो हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, इसमें दूसरा सही आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, ये आपका दूसरा सही है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादक ये थार्नडाइक ने किया था, पहला सही है। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है 90 से 109 के बीच होता है, इसमें पहला सही है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्ध के प्रतिमान के प्रतिपादक थे, ये कैटल थे, इसमें तीसरा सही है आपका। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक ये स्किनर ने किया था, इसमें आपका चौथा सही है। ब्लूप्रिंट निम्न से किसका महत्वपूर्ण घटक है, ये परीक्षण निर्माण का है आपका, इसमें तीसरा सही है। विकास की पूर्व संकेतावस्था निम्न से किसने दिया था, ये पियाजे ने दिया था आपका, दूसरा सही है। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न से किसके मापन में किया जाता है, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए किया जाता है, तीसरा सही है। व्यक्तित्व अधिगम हेतु निम्न से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, पहला सही है परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल का समय होता है आपका जन्म से 2 वर्ष का, इसमें दूसरा सही है। कोलहर निम्न में किससे संबंधित है, तो ये आपका अधिगम सिद्धांत है, इसमें चौथा सही है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, 14 होती हैं, इसमें दूसरा सही है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न से किसने परीक्षण हेतु किया था, यह समस्या के समाधान के लिए किया था, इसमें चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था, ये पावलाव में था, सेकंड सही है। मौलिकता नमनीयता और प्रवाह निम्न से किसके घटक हैं, ये सृजनात्मकता के हैं, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दूसरा सही है। अब आपका हम सॉल्व कराते हैं हिंदी का। हिंदी का देख लें, अंगा का उच्चारण आपका नासिक से होगा, ठीक है।
चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें परिमाण बोधक है। समास का विलोम क्या होगा? व्यास होगा। शून्य का तत्सम रूप आपका शून्य होगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। 35। अब 36 क्वेश्चन आपका कराते हैं हम। देखिए ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, इसके हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन उसका आंसर देना है। तो इसमें घुमक्कड़ शब्द का कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपको अक्कड़ होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? इसमें देखिए व्यंजन होगा, आप विसर्ग करने की गलती ना करें, व्यंजन ही होगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? इसमें 35 वर्ष है। श्रुति धर्म का अर्थ का क्या अर्थ है? ये वैदिक धर्म है। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष होगा आपका। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा मिश्र वाक्य है? इसमें पहला है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, इसमें दूसरा सही है। उस को मुझसे उठा नहीं गया, भाव में वाच्य क्या है? ये भाववाच्य है। निष्कपट शब्द का जो संधि है वो है तीसरा आपका निधन कपट। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने के लिए किया जाता है? ये आपका मॉरिशस में किया जाता है, इसमें चौथा सही है आपका। सूर सागर किस भाषा की रचना है? ये आपकी ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था, दूसरा सही है आपका। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? इसमें गुणवाचक है आपका, तीसरा सही है। चौराहा शब्द में दुख समास होगा, पहला सही है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो इसमें होगा आपका आशुभाषण। हिंदी भाषा की बोलियां हैं 18। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, इसमें चौथा होगा समाज और इक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम, इसमें अखिलेश होगा, चौथा आपका सही है। 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, इस पंक्ति की जो रचना की थी वो जगनिक ने की थी, चौथा सही है। निम्न किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें आपका दूसरा है अनुग्रहीत, इसमें यह सही होगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पैतृक, इसमें भी आपका दूसरा सही होगा। सध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु, इसमें आपका पहला सही होगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, इसमें आपका चौथा सही होगा। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, इसमें आपका चौथा सही होगा। अब आपको इंग्लिश करा दें या पहले आपको हम करा देते हैं संस्कृत करा देते हैं, या इससे पहले आपको हम भाषा से पहले करा दें पर्यावरण का। हाँ ये देखिए पर्यावरण अध्ययन पहला क्वेश्चन इसमें है 121। ध्रुव तारा कहा जाता है, इसमें तीसरा सही है। उत्तरी तारे को कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, ये 1973 में किया गया था, इसमें आपका दूसरा सही होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो मध्य में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में हुआ था। जंगली गधों का अभयारण्य ये गुजरात में आपका है। नेक्स्ट कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन के, इसमें आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट है संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया था? ये 24 जनवरी 1950 को। बायो मैग्निफिकेशन है, इसमें तीसरा सही है। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ये कवक है आपका। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है। निम्न में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ये इसमें रैन शैडो का प्रभाव है आपका। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ये 1972 में किया गया था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सूर्य ताप, इसमें आपका तीसरा सही है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है?
आपका ये रूस से लिया गया, यूएसएसआर से। संवैधानिक जैव विविधता पाई जाती है, ये शांत घाटी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, इसमें चौथा असत्य है ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ, इसमें आपका दूसरा सही है। मकर रेखा है, इसमें देखिए 23.5 डिग्री साउथ है आपकी, ये उत्तर सही। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने किया था, डॉक्टर एजी टांसले। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, जिसमें आपका दूसरा सही है, मांसाहारी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वो है क्षोभ मंडल, आपका दूसरा सही है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, ये आपका है 11 दिसंबर 2002 को, इसमें चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो ये आपका जैविक खेती, ये आपका चौथा सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा संबंधित है, इसमें आपका होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, दूसरा सही है। WWF से आशा है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। पहला, फूलों की घाटी, ये आपका उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, तो ये आपका दूसरा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है, ये है आपकी पहला क्वेश्चन, इसमें सही है आपका। तिब्बत की सपांगो नदी भारत में, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, ये आपके ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, तो ये आपका क्वेश्चन हुए इसके। अब आप देख लें, इंग्लिश देखें, इसमें आप टिक लगा लें इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द आइडम्स टू पुट आउट इज, ठीक है, इसमें देखें आप, पहला सही है, आप टिक करें। दूसरा क्वेश्चन है, द सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज द हाउस इन द विच आई वॉज बॉर्न, इसमें आपका दूसरा सही है, एक कंपाउंड सेंटेंस है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, इसमें आपका द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट, इसमें बाई होगा, आपका पहला सही है। फिल इन द ब्लैंक, इसमें आपका ये थर्ड सही होगा, बींग ट्राइड ऑफ फ्लाइंग द चिल्ड्रन। और नेक्स्ट है आपका, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, इसमें आपका तीसरा सही होगा, द कॉफी एजेंट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक, ये तीसरा इसमें सही होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 66, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसमें आपका चौथा सही होगा, क्वालिटी उत्तर। नेक्स्ट है 67, इसमें जो है आपका मिसपेल है जो है आपकी, वो गवर्नेंस की स्पेलिंग गलत है। और 68 है नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट से इन्होंने, तो इसमें आपका होगा मैकथिन, ये चौथा सही है। पिक द करेक्ट सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, इसमें आपका सेकंड सही है, नो सुनर, ठीक है, इसमें दैन का इस्तेमाल हुआ है। और नेक्स्ट है 70, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स, इसमें आपका तीसरा सही है। फिर आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देना है, तो मैं आपको 71 का बता दे रहा हूँ, इसमें पहला सही है, वंस मोर, ठीक है। और 72 में आपका सही है ये सेकंड क्वेश्चन, स्माइल्ड एंड डिस्प्रेड। और 73 में है, व्हाट डज सेंचुरी, इसमें आपका चौथा है, ये पीरियड ऑफ 100 ईयर। और नेक्स्ट में, व्हाट द मैजिशियन नेम, जिसमें है किरण राठौर। और 75 है, इसमें आपका कैप्टिवेट का है, इसमें आपका फर्स्ट सही है। 76 में आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीए, इसमें हैपनिंग सडनली है, आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट है आपका वांड में, इसमें आपका स्टिक तीसरा सही है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग, इसमें जंपिंग सही है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें एज आएगा। और 18 है, चूज द करंट फिगर, इसमें तो आपका रिसेप्शनिफिकेशन आएगा, इसमें आपका सेकंड आएगा। फिर 81 है, चूज द प्रॉपर सिक्वेंस ऑफ कंप्लीट द फॉलोइंग, इसमें आपका दूसरा देख लें, पी आर
क्यूएस आएगा। 85 देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एग्जाम्पल ऑफ द मेटाफोर, इसमें है आपका पहला द बेटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर द सोर्स ऑफ द ग्रेट ट्रेजर, इसमें आपका पहला सही होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें पहला होगा डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस, इसमें होगा आई सैड टू शीला मे आई नो योर फादर, इसमें तीसरा सही होगा। 88 में द ऑर्डम, इसमें चौथा होगा, ठीक है टिक करें। और इसमें 89 में हु आर द अर्लीस्ट, इसमें पहला होगा डायनासोर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द एडवर्ब, इसमें देखिए आपका तीसरा होगा पैस, ठीक है। अब आपको देखते हैं संस्कृत का, देखते हैं तो इसमें जो हमारे में पहला प्रश्न है वो है अट प्रत्याहार के वर्ण है तो इसमें स्वर प्लस हा या वारा, इसमें ये होगा कारक में यदि प्रकृति है करा तो प्रत्यय होगा रुवल। इसमें नेक्स्ट अव्ययीभाव भाव समास का उदाहरण है अधिहरी, निम्न समय चतुर्विंश संहिता के नाम से विख्यात है, चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से विख्यात है रामायण, इसमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, इसमें आपका है ज्ञा। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, एकोन सप्तति ये नहीं है, चौथा सही है। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसमें है दिन पर्यंत पाठ है अपठत, ये सही है। उपकृष्णम में कौन समास है, अभ्यय भाव समास है, उपलगा हुआ है। अब है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 संख्या के लिए संस्कृत में शब्द है द्वात्रिंशत, ये आपका पहला सही है। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा पत्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मोदकाय रोदयति, उदाहरण है ये देखिए पहला इसमें सही है, रुच थनाम परिमाण का उच्च उदाहरण है आपका, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको देख के बताते हैं। 73 यह उष्ण वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, सल पठाने रूप है, पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छह मिलकर बना है का और सा से संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदोषण कहा जाता है, ये श्रीहर्ष का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इसको आप पैराग्राफ पढ़ लें इसका जो है उसके हिसाब से है। तो नेक्स्ट है शिवपदस्थ अन्यर्थ का, इसमें उत्तर है श्रृंगालय। दूसरा गद्य खंडे कया प्रश्न पृछत, इसमें लक्ष्म्या है। कयो संलाप सर्वेशम मंगलाय भवत, इसमें पहला है लक्ष्मी पार्वत्यो। नेक्स्ट है इसमें आपका बाह्य प्रत्नों की संख्या है 11। नेक्स्ट है आपका मनोरथ उदाहरण है विसर्ग संधि का। में 80 में देखे इसमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, इसमें अभी थोड़ा कंफ्यूजन है आप रुक जाएं। 83 है दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है कर्मणा, ये दूसरा वाला आपका सही है। अंतस्थ वर्ण है यण होते हैं, इसमें पहला सही है आपका। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका जो अनुवाद होगा ये होगा ममहम संस्कृत रोचेते, पहला सही है। मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा अहम एव मन्ने, इसमें दूसरा सही होगा मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है। का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा अहम आपणम गच्छामि। नेक्स्ट है पर धातु का कृत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा पचित, इसमें तीसरा सही है। पंचनवती संख्या है, इसमें 95 होगा। अव्यय शब्द समूह है सर्वत्र अनुधा ऊपर, इसमें ये सही होगा। अब आप नेक्स्ट आइए मैथ में, मैथ का आप देख लें, इसमें पहला है मेरे में 91 में कि त्रिभुज ABC के मध्य AEF ज्ञात कीजिए, निम्न से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें से ये जो त्रिभुज अंदर का उसका पूछ रहे हैं तो इसमें त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/4 ठीक है का क्षेत्रफल है, इसमें आपका चौथा सही है। यदि किसी दिए गए आंकड़ा का समांतर माध A, ज्यामिति माध G और हाथमक माध H है तो A > G > H ये सही होगा। ये दो संख्याओं का अंतर का गुणनफल क्रमशः 5 और 36 तो उसका व्युत्क्रमण का अंतर 5/36 होगा, ये उत्तर होगा। नेक्स्ट 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, श्रीनिवास
रामानुज थे पहला सही है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, इसमें जो है 200 मीटर उत्तर होगा। यदि 10x की पावर 3x एक बराबर 125 है तो 10 की माइनस 2x का मान होगा, इसमें देखना ये उत्तर होगा चौथा 1/25। नेक्स्ट है 16 0 75 संख्या भाग देने पर प्राप्त होता भाजक क्या है, इसमें भाजक 96 होगा, देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला सही है। 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या 15 होगी, इसमें दूसरा सही है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने वाले में आपका 14 15 पहला सही होगा। नेक्स्ट है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर हो उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर, इस वाले क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर होगा, तीसरा सही होगा। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर आपका c/7 है तो इसका मान पूछा है, इसमें दो उत्तर होगा आपका। यदि 5 जनवरी में शुक्र और शनिवार था तो 23 मार्च में कौन सा दिन होगा, इसमें मंगलवार होगा आपका। हल कीजिए, इसमें आपको 11/16 होगा। नेक्स्ट एक त्रिभुज की रचना करने के संभव भुजाएं हैं 6.3 5.9 और 4.6, ये आपका चौथा सही होगा, √3। ठीक है, ये वाले का आरोही क्रम जो व्यवस्थित करना है इसमें आपका पहला सही होगा, 6 106 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि का प्रतिशत देखिए, इसमें हानि होगी 33 से 1/3% होगा, ये आपका दूसरा सही है। 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल बचेगा आपका 4 बचेगा, चौथा सही है। ये संख्या दी है 378 × 236 × 459 × 312 में ग्लोबल फंड का इकाई का अंक होगा, इसमें 4 होगा, ये आपका चौथा सही है। दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4/5 है तो उनका माध्यांक क्या होगा, देखिए इसमें 4/5 ही उत्तर होगा, चौथा सही है। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है R.S. फिशर को है, इसमें सही होगा। यदि और रखे गए आंकड़ों इसमें बहुलक और माध्य सही होगा आपका चौथा, और इसमें 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया गया, इसमें 54 होगा, ठीक है, चौथा सही है आपका। पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए, इसमें 540 है आपका उत्तर। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ दशा, इस वाले प्रश्न में आपका तीसरा सही होगा, 21 मीटर। a+b किसी काम को 12 दिन में करते हैं, इस वाले प्रश्न में आपको जो है तीसरा सही होगा, 10 दिन। 14/33 42/55 21/22 का महत्तम समापवर्त होगा, इसमें 7/33 0 330, इसमें ये उत्तर सही होगा। 117 7 + √10 का वर्गमूल, इसमें आपका पहला होगा, √2 + √5। नेक्स्ट है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, इस वाले में 6 सही 2/3 सेंटीमीटर, ये उत्तर होगा तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, इसमें 11 43 45, ये तीसरा नंबर का उत्तर सही होगा। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हमने जितना हो सका उतने प्रश्न जो है हमने किया, अगर कोई प्रश्न छूटा हो तो उसको आप हमें कमेंट में दे दें, हम उसे बता देंगे, और फिर भी हमने प्रयास किया है कि सभी क्वेश्चन सही हों, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर त्रुटिपूर्ण हो तो उसको अन्य सोर्स से मिला लें, आप किताबों से मिला के देख लें, इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर दें, धन्यवाद।